मैं ये भी गल कहांगा उस वक्त तुसी उस वक्त दो हीरे सो जिहड़े योधे सो जिन्होंने वो जंग लड़ के अज जो श्रो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी अज बनी हुई है जिन्हें सरदार रणजीत सिंह जी प्रधान ने सरदार सुरजीत सिंह सकत्तर ने यह सारा थाल तुसी तैयार किया ग्राउंड तुसी बनाई है जे तुसी ना उस टाइम करते शायद अज कमेटी अजे भी ना बनती। उस वक्त धारा 144 लगी थोड़ी जी वो गल क्योंकि उस वक्त मैं ये गल कहना उस वक्त एक वाई चैनल साडा सिंह नार टीवी चैनल से जदों कि असी 3 रात में भी अपना चैनल गुरुद्वारा साहब के जिहड़े ताले मारे साले हाल में असी वह भी लाइव किया। उस तो बाद असी 4 तरीक न डीसी ऑफिस विचों डिसीजन आना सी ते वो डिसीजन फिर उन्होंने हक च ही हो गया सी उदों ही असीं इत्थों लाइव किया। उस तो बाद 5 तरीक न जिहड़ा शॉर्ट प्रोग्राम एक अंदर जिहड़ा रोकने की कोशिश की गई वड्डी 144 धारा लग गई गुरुद्वारा साहब से उत्थे भी प्रोग्राम असीं लाइव किया। उस तो बाद उसे 5 तरीक शाम को बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा गांधीनगर विखे भी लाइव किया। होर भी चैनल सन पर वह चैनल नहीं है क्योंकि उन्होंने उस वक्त जी डिस्ट्रिक्ट कमेटी सी उन्होंने वह ज़्यादा प्यारी सी उदों तुहाडे वर्गे लोग जिहड़े सन जिहड़े मर्जी वाले पंथ जिहड़े नमून अनसे मनण वाले वह चाहिए नहीं सन। ऐसी कोई गल नहीं तो बाकी जिहड़ा तुसीं वडियाई वाली गल कही है वडियाई गुरु ने बख्शिश की है तो ऑफिशियली इस डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस तरह का कोई सानू कोई या कोई लैटर या कोई होर कोई इस तरह का नहीं सानू बुलाया गया मतलब के चलो ऑफिशियल कोई लैटर नहीं सानू तुहाडी तां कोई गल नहीं। मैं कहना सरदार जगिंदर सिंह जी चले जी कि वो अजे साडे जिहड़ा धार्मिक रिलीजियस सिस्टम ने उन्होंने तो दूर रहिंदे ने वो उन्होंने सम्मान देना चाहिए सी। हो सकता है ये हुण डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज़्यादा बेहतर दस सकती है कि उन्होंने कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया क्योंकि पिछले दिनों आप देखते हैं कि 5 जुलाई 2022 गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी मनाया गया तो अगर उन्होंने कोई इस तरह के विचार होती तो शायद वीर जोगिंदर सिंह होर बुलाते दास ने तो क्योंकि ऑलरेडी धार्मिक संस्था के नाल जुड़िया होया तो साडा तो कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा ना ही आप इस मान वड्याई के चक्कर में हाँ लेकिन वीर जोगिंदर सिंह होर मेरी गलबात हुई नहीं है जे कोई होया होंदा उन्होंने बुलाया होंदा तो उन्होंने जरूर मैं दसना सी लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं। मेरा अगला सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोई ऐसे थिंक टैंक भी तैयार किए ने मास्टर माइंड भी तैयार किए ने जो कि कल कोई ऐसी गल आ जाती चलो कमेटी ने मर्जी तो क्योंकि वो चुने हुए मैंबर ने भी पढ़े लिखे ने कोई सुझाव थिंक टैंक जरा उन्होंने देवे भी 2-4 थिंक टैंक बना के रखे होना ताकि सिंगल सिंह कोई लोड़ पै जाती कोई गलबात होती सलाह मशवरा करना है तो वो मनना ना मनना उन्होंने काम है सलाह देना वो थिंक टैंक का काम है भी आप इस वक्त तक करना चाहिए कि इस तरह की कोई टीम बनाई हुई इन्होंने। देखो भी जी इस तरह के हालांकि असी गाए बगाए इस प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तकरीबन बहुत सारे मैंबर के नाल असी जुड़े हुए हैं तो वो साड़ी सलाह भी लेंगे लेकिन जितों तक तुसी थिंक टैंक की गल करते हो तो जो असी अज की राजनीतिक दशा वेखते हैं जे असी भारत वर्ष की इस सिस्टम वेखिए तो जिहड़ी अज रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी बड़ा वड्डा एक थिंक टैंक रख्या होया और वो किवें राज कर रहे किवें अपनी नीतियां अगे अज अपने समाज के अपने इस भारतीय स्टेट के लागू करने का यत्न करते हैं वो सारा थिंक टैंक तैयार कर रहे अपन नीतियां नहीं इन्हों ये नीतियां सारिया पिछू घट के आदियाँ तो जदों भी कोई राज करता है असी पुराने समय के भी देखते हैं तो एक थिंक टैंक जरूर आता है तो उस तरह का थिंक टैंक मैं लगता नहीं कि हाली कोई डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयार किया हो। साडी कौमियत दा जथेदार अकाल तख्त साहिब वल्लों भी इह हुक्मनामा जारी होया तो जो हुक्मनामा कहा जाता है तो वह भी हर गुरुद्वारे दे विच होड़ी बना के पोस्टर बना के जिहड़े इश्तिहार बना के वह बंदी सिंघां दे लाए जाण तो उस बारे भी तुसीं थोड़ा वेरवा देना। दूजा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भावें पोस्टर भी लाते ने तो अपनी एक बाइट भी देती कि जिहड़ा एक मसला कौमी सी इस कौमी मसले नूं वड्डे लेवल ते पेश करने इत्थे जिन्ने भी पंथक चैनल ने पंजाबी चैनल ने
उन्हें सारे बुला के नहीं करना चाहिए। देखो भी जितों तक तुसी चैनल्स की गल कर रहे हो, मैं समझदा कि दास भी इसे समाज के विचर रहा और तो काफ़ी समय तो आप देखते हैं सिंह नाल टी वी है या और बाणी अखंड है और भी बहुत के जी न्यूज़ है उस बाणी चैनल भी सारे चैनल ने। तो मैं समझदा कि अगर इस तरह का कोई कौमी मुद्दा हो सू उस इंटरनेशनली लैवल से उभारन के लिए होर थोड़ा ज़्यादा इसनों मतलब देना चाहिए इस ढंग के सारे चैनल्स बोले कमेटी के मेंबर भी सारे इकट्ठे हो सारे इकट्ठे हो वेट कर लो। अच्छी अच्छी गल है वो बेहतर है। असी लीगली तो आप होर करना चाहिए सरकार को भिख मंगन की लोड़ नहीं सानू, लेकिन सानू अपना पक्ष रखने की जरूर लोड़ है कि जिवें तुसीं वेख्या होना पिछले कुछ मेरे ख्याल 15-20 दिन या एक महीना पहला जिहड़ा राजीव गांधी का जिसने कतल किया पर्यावरण वो 31 साल बाद उस रिहा किया गया, लेकिन अज साडे नौजवान जिन्होंने जिहड़े नौजवानी के बचपन के तकरीबन 15-16 साल की उम्र के जेलों के धक्क दिए गए और वह अज तकरीबन 50-50 साल उन्होंने उम्र हो चुकी है 30 साल तो भी वध समय के जेलों की सलाखों पिछे बंद ने, लेकिन साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। इस करके अपना पक्ष जिहड़ा है वह लीगली रखने के लिए तो इस तरह सिख समाज का एक प्रेशर ग्रुप भी बनाने के लिए कि भाई साढ़े नाल धक्का क्यों, असी वह कौम हाँ जिसने भारत की आज़ादी के लिए 85-90% तो भी वध कुरबानियां दित्तियां हुई ने सिख समाज ने, चाहे वह फांसी पर चढ़न वाली गल है या I-47 के अज जो मुद्दा देख रहे हो 47 के जे पाटो ताड़ हुई है तो भारत दियां दो स्टेटां वैसट बंगाल ते पंजाब ने ज़्यादा सब तो ज़्यादा संताप हंडाया। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो सिन्हा टीवी यूके, मैं तुहाडा अपना पुष्पिंदर सिंह जम्मू। अक्सर ही तुहाडे सामने असी नवें तो नवा मुद्दा नवें तो नवा चेहरा तुहाडे सामने लै के हाजिर होए रहिंदे हां। अज जो तुहाडे सामने चेहरा है सरदार सतिंदर सिंह जी हाई कोर्ट वाले गुरु ग्रंथ स्टडी सर्कल दे मोढ़ी मैंबर ने, जो जम्मू तो गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल है उन्होंने मोढ़ी मैंबर ने। इन्हां गलबात करांगे, सवाल करांगे इन्हां नूं। सवाल ने जम्मू कश्मीर की धरती ते डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लैके ते नाल ही जो बंदी सिंघां दा जो अज अकाल तख्त साहिब वालों जो अज पूरे संसार भर में जिते भी नानक नाम लेवा सिख रहिंदे ने गुरुद्वारों के उत्थे जिहड़े होर्डिंग लगने चाहिए पोस्टर लगने चाहिए उन्होंने संबंध में जिहड़े होर्डिंग लगने चाहिए जिहड़े पोस्टर लगने चाहिए ने उन्होंने संबंध में असीं इन्हां नाल गलबात करांगे सवाल करांगे इन्हां नूं, क्योंकि एक प्रचारक भी ने जिथे अपनी एक सरकारी तौर पर हाई कोर्ट के सर्विस करते हैं उत्थे नाल दे नाल गुरु ग्रंथ स्टडी सर्कल के एक मोढ़ी प्रचारक भी ने जिथे बच्चे की क्लासा लाते हैं होर कार्य करते हैं तो इन्हों गलबात करेंगे। सिंघना टीवी चैनल से इन्हों जी आई स्वागत है जी सरदार सतिंदर सिंह जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। हाँ जी भी जी, सब तो पहला मेरा सवाल यह है पिछले समय अंदर डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी पुरानी सी जिन्हों में सरदार जगजीत सिंह जग्गा सरदार फतेह सिंह जोड़े सन वो जनरल सकत्तर सन, सरदार जगजीत सिंह प्रधान सन, उन्हों का जोड़ा 5 साल का समा दौरान जोड़ा पूरा होया सी ते ओ क्योंकि जो गुरद्वारा एक्ट है भारत देश के जो गुरद्वारा एक्ट बने होया कानून दे विच उस दे अकॉर्डिंग जोड़ा सी उन्हां नूं 5 साल का टाइम मिलता है, पर ओ 5 साल तो समा उन्होंने वध लैण वास्ते खबरां तो पता लगा सी भी जथेदार साहब श्रोमणी कमेटी नूं भी विच लिया गया, इत्थों तक पता लगा भी गृह मंत्रालय उन्हों का भी कोई सूत्रों तो पता लगा तो उन्होंने भी इन्होंने साथ लिया तो वह 3 महीने उन्होंने एक्सटेंशन ले ली उन्होंने कोर्ट के विचों। तुसी कोर्ट में सर्विस करते सो, तुसी उस बारे जानते सो,
तो इस करके वो समा जो आया तो तुसी देखिया भी एक कोर्ट वालों डिसीजन जरा गलत दिता गया, पांच साल के बाद इन्होंने दोबारा जरा एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, वो कुछ नवे बंदे कोई होर हटा कमेटी बना के उन्होंने दिता जा सकता पर इन्हों नहीं दिता जा सकता। तो उस वक्त आप जी ने एक रिट दायर की सी, तो मैं ये भी गल कहंगा उस वक्त तुसी उस वक्त दो हीरे सो जो योधे सो जिन्होंने वो जंग लड़के अज जो चलो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी अज बनी हुई है जिन्हें सरदार रणजीत सिंह जी प्रधान ने सरदार सुरजीत सिंह सकत्तर ने यह सारा थाल तुसी तैयार किया ग्राउंड तुसी बनाई है जे तुसी ना उस टाइम करते शायद अज कमेटी अजे भी ना बनती। तो इस बारे तुहाडे की ख्याल है? सब तो पहला तो वीर पुष्पेंद्र सिंह जी आप जी का धन्यवाद, आप जी के चैनल सिंह नाल यूके जो गाए बगाए वक् वक् थावां ते और दूर दुरांडे इलाके दे विच भी आप पहुँचते हो सिख धर्म दे नाल रिलेटड जो वक् वक् मुद्दे ने बर्निंग इशूज़ ने अजकल दे हालातों नूं लैके उन्हां नूं उभारन दा यतन करते हो वक् वक् शख्सियतां नाल तुसीं जिहड़ा गलबात करके सिख कौम दे उन्हां मुद्दियां नूं संगत दे सामने पेश करन दा यतन करते हो इसलिए आप जी का धन्यवाद। अज दास पास आप आए हो दास वालों आप जी का इस करके बहुत धन्यवाद किया जाता है। तो जिहड़ा सवाल तुसी किया अपना डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुतलक उस दे विच मैं थोड़ा जा ये दसना चाहवांगा कि जम्मू कश्मीर दे विच जम्मू एंड कश्मीर रैलिजियस एंड एंडोमेंट एक्ट गुरुद्वारा एक्ट है 1972 दा इस तरह रूल्स ने 1973 दे जिहड़े गुरुद्वारा प्रबंध जिहड़ियां भी कमेटियां वेखदियां ने वो उस एक्ट के रूल्स के मुताबिक वेखदियां ने ते उस एक्ट के रूल्स के मुताबिक जिहड़ा कोई भी कमेटी जिहड़ी चुनी जाती है उस दे विच जितने भी डिस्ट्रिक्ट ने साढ़े जम्मू कश्मीर लद्दाख क्योंकि हुण ते यूनियन टैरीटरी है पहले स्टेट सी उस दे विच तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट आउंदे आ ते 20 डिस्ट्रिक्ट दे विच 11 मैंबर जिहड़े हर डिस्ट्रिक्ट दे विच चुने जाते हैं। तो इस तरह ही जम्मू डिस्ट्रिक्ट है या वक् वक् होर डिस्ट्रिक्ट ने ते हर कमेटी जिहड़ी है वह 11 मैंबर मैक्सीम 11 मैंबर ने ते इन्हां दा कार्यकाल जिहड़ा वह 5 साल दा एक्ट ते रूल्स के मुताबिक 5 साल तों बाद अगर किसी कारण करके इलैक्शन नहीं हो पाती तो फिर गवर्नमेंट कोल पावर है कि वह एक एडहॉक कमेटी नॉमीनेट कर सकती है जिवें इस तों पहला भी होया सी कि असेंबली दी इलैक्शन सन ते 2008 दे विच शायद वह समा सी ते असेंबली दी इलैक्शन करके गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया कि साढ़े कोल समा नहीं है क्योंकि साड़ी सारी स्टेट मशीनरी जिहड़ी है वह असी असेंबली इलैक्शन वाले पासे लगाई हुई है तो साढ़े कोल समा नहीं असी बाद दे विच इलैक्शन करावांगे ते फिर वो भी उस वक्त भी कोर्ट दे विच केस सी ते कोर्ट ने एक डायरेक्शन उन्होंने दी सी कि तुसी एडॉक कमेटी फ्रेम करो ते 2008 दे विच भी एक एडॉक कमेटी फ्रेम हुई हालांकि वो एडॉक कमेटी भी मैक्सीम पीरियड उसका जिहड़ा है वो 7 साल है उस एडॉक कमेटी दे विच जिहड़ी कमेटी इलैक्टेड होंदी है उस दे विच कोई मैंबर नहीं लिया जा सकता वो नवे चेहरे जिहड़े ने नवे मैंबर जिहड़े ने गवर्नमेंट अपने लैवल ते अपॉइंट करती है लेकिन वह भी 11 कर सकती है उस दे विच हालांकि एक्ट या रूल्स दे विच इहनी दस्या भाई तुसी 11 ही करने ने वह 5-6 भी लै सकती है। तो इस तरह 2008 दे विच उह इलैक्शन दी करके कमेटी जिहड़ी एडॉक कमेटी बनी जिस दे विच सरदार दलीप सिंह सन वह प्रधान सन उन्हां दे नाल होर बाकी टीम मैंबर सी वह 2015 तक चलती रही वह भी गलत सी खैर वह किसी भी कारण करके नहीं हो सकिया 2015 दे विच इलैक्शन हुई दोबारा ते जिहड़ी इस डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो पिछली कमेटी सी वह 2015 दे विच इलैक्ट होके आई तो उन्हां दा जिहड़ा कार्यकाल सी वह एक्ट ते रूल्स दे मुताबिक 5 साल सी जिहड़ा जुलाई 2020 दे विच खत्म होंदा सी ते 2020 दे विच क्योंकि तुहानू सारयां नू पता है कि सब पासे एक करोना की बीमारी जिहड़ी सी वर्ल्ड वाइड फैली हुई सी ते उस वजह दे नाल इलैक्शनां नहीं हो सकियां लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी पहली कमेटी सी इस तों पहला वो उन्होंने 3 साल का एक एक एक्सटेंशन जिहड़ा पीरियड उन्होंने मिलिया किसी कारण करके वो जो असी बाद विच ट्विटर तों कढ़ाया सेंट्रल होम मिनिस्ट्री तों भी इन्हों ये परमिशन दी गई बहुत सारे होर कारण भी होए होणगे ते वो 3 साल का इन्हों एक्सटेंशन पीरियड दिता गया जिहड़ा एक्ट के रूल्स के मुताबिक गलत सी गवर्नमेंट कोल पावर सी कि एडॉक कमेटी बना सकती सी
लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन जो दी तो फिर वो एक्सटेंशन असी चैलेंज किया हाई कोर्ट के एक रिट फाइल की दास ने उन्होंने नाल एक साथी सन सरदार जोगिंदर सिंह जी हाई कोर्ट के भी मुलाजम ने तो वह रिट जी फाइल होंगी है तो मैं याद है कि 14 जुलाई 2020 असी रिट फाइल की सी और रिट जी सी असी किसी के इंडिविजुअल नाम से नहीं की और रिट सी गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट ने जोड़ा ये काम किया एक्सटेंशन का जोड़ा अर्स्टवाइल कमेटी सी गलत किया अंडर रूल गलत है नॉमीनेट कर सकते सी नवी कमेटी लेकिन एक्सटेंशन गलत है तो उस एक्सटेंशन असी चैलेंज किया गवर्नमेंट अथॉरिटी जी कंसर्न सन साड़ी फाइनैंशियल कमिश्नर रेवन्यू या चीफ सैक्रटरी उन्होंने असी पार्टी बना के तो आर्डर चैलेंज किया 17 जुलाई 2020 कोर्ट ने जदों उस आर्डर वेख्या तो कोर्ट मुतमिन होंगी है तो उस आर्डर स्टे कर दिया जाता है लेकिन कार्ज जड़ा सी उस वक्त कमेटी का उस तरह रखा गया कि जब तक इलेक्शन होंगी या गवर्नमेंट कोई रिस्पांस फाइल कर दी उस केस के तद तक वो देखेंगे लेकिन सुपरवाइजरी अथॉरिटी उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच डेप्टी कमिश्नर्स नूं अपॉइंट कर दिता इस तों भाव यह सी कि वह जिहड़ा कमेटियां दा जिहड़ा सारा चार्ज सी वह डेप्टी कमिश्नर्स दे कोल सी यह मसला इस तरह चलता रहा और तकरीबन काफ़ी बहस मुहासा होया क्योंकि अलग अलग 20 डिस्ट्रिक्ट कमेटियां सन फिर श्रीनगर दे भी बहुत सारिया कमेटियां सन उन्होंने भी जवाब फाइल किया सारिया पार्टियां उन्होंने क्योंकि बनना सी इस करके वह मसला लंबा होंदा गया तो वक् वक् डिप्टी कमिश्नर ने जवाब फाइल किया लेकिन गवर्नमेंट की भी दावी यह सी कि इन्हों होर एक्सटेंशन दी जाए लेकिन वो एक्सटेंशन क्योंकि इलीगल सी तो अगे एक्सटेंशन हो नहीं सकी लेकिन एक कमेटियां अंडर द सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ डिप्टी कमिश्नर वो पुरानी कमेटी काम कर दी रही फिर जाके तकरीबन 31 दसंबर 2021 तकरीबन 1.5 साल का समा जरा लगता है कोर्ट के तो ये कोर्ट ने यह फैसला दिता कि यह जरा इन्ह की एक्सटेंशन सी कमेटी की वो अल्टीमेटली इलीगल सी एज पर एक्ट के रूल्स नहीं सी इस करके उस कार्यकाल खत्म कर दिता गया तो गवर्नमेंट नू जरा डायरैक्ट किया हाई कोर्ट ने कि तुसी जरा वो इलैक्शन कराओ लेकिन इलैक्शन जब तक होंगी तद तक तो इलैक्शन का जरा प्रोसैस उस क्योंकि समा लगता 2-4 महीने क्योंकि इलैक्टोरल रोल्स तैयार करनी होंगे सिख समाज की जो वोटा ने उन्होंने बाइफरकेशन करनी होंगी है क्योंकि सिखा ने वोट पानी होंगी सिर्फ उस थोड़ा प्रोसैस के समा लगता इसलिए वो डायरैक्ट किया गया कि जल्द तो जल्द इलैक्शन का प्रोसैस भी शुरू किया जाए लेकिन विद इन 3 वीक्स 31 दसंबर तो लैके 2021 तो लैके 3 हफ्ते का होर टाइम गवर्नमेंट दिता गया कि तुम फॉर द टाइम बीइंग एक कमेटी जी है अगे काम नहीं कर सकेगी और तुसी एडहॉक कमेटी नॉमीनेट कर सकते हो जब तक इलेक्शन होंगे लेकिन उस तो पहला मैं थोड़ा जा होर भी क्लीयर करांगा कि जदों असी रिट फाइल की उस रिट दे भी जदों पहला स्टे आर्डर होया उस स्टे आर्डर के तहत अगेंस्ट जड़े सन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस वेले जम्मू के प्रधान तो 1-2 प्रधान मेरे ख्याल है होर शायद सांबा कमेटी सी या उधमपुर कमेटी सी उन्होंने उस आर्डर नू चैलेंज किया डिवीजन बैंच दे लेकिन डिवीजन बैंच ने जड़ा है उस दे विच इंटरफेयर करन तो इनकार कर दिता कि नहीं तुहाडा कोई राइट नहीं है तुसी अगर अपना केस प्लीट करना चाहते हो तो तुसी भी रिट कोर्ट दे विच जाओ ते इस करके वो सारा केस जड़ा रिट कोर्ट दे विच चलदा रहा ते 2021 दे विच ए फैसला हुंदा है लेकिन उस तो बाद बावजूद भी क्योंकि 3 हफ्ते का टाइम सी एडहॉक कमेटियां नहीं बन सकी क्योंकि जो एडहॉक कमेटी का शोर पिया तो वक् वक् संस्थावां ने अलग अलग धड़िया ने उन्होंने अपने अपने कैंडीडेट भेजने शुरू कर दिते और बहुत सारे कैंडीडेट्स का नाम गया लेकिन वो गवर्नमेंट ने उस दे उपर कोई बहुता एक्शन नहीं लिया अल्टीमेटली जदों फिर इलैक्शन का प्रोसैस भी शुरू नहीं होया ना ही कोई एडहॉक कमेटी बनाई गई फिर असी उस आर्डर की इंप्लीमेंटेशन वास्ते जिहड़ी जजमेंट सी 31 दसंबर 2021 दी उस दी इंप्लीमेंटेशन वास्ते असी एक कंटैम्प्ट पटीशन जिहड़ी कोर्ट दे विच फाइल कीती और उस कंटैम्प्ट पटीशन दे विच जदों जवाब मंगिया गया सरकार कोलों कि तुसी इलैक्शन का प्रोसैस शुरू नहीं किया ना कोई तुसी एडहॉक कमेटी बनाई है जदों नोटिस जांदा है तो उस तो बाद उन्होंने ये प्रोसैस सारा शुरू किया और आपके सामने है कि जून 2022 दे विच ये सारा इलैक्शन का प्रोसैस शुरू होता है उस इलैक्शन प्रोसैस दे विच ये जिहड़ी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये जित के आऊगी
मैं इस नाल जुड़िया एक सवाल उस पुरानी कमेटी रिलेटड आ, मैं वह भी तुम सवाल करा। एक तुम पता होना क्योंकि तुम सारा जानकारी रखते हो, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा 5 जनवरी तुम्हें पता जी, वो थोड़ा जहा भी संगत दोबारा दसो ता कि एक कमेटी वालों मूल नानसिक कैलेंडर 2003 वाली वही गल करनी मूल, क्योंकि जी अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, इन्हों का फर्ज है जो मूल नानसिक कैलेंडर उनके आधार से ही सारे प्रोग्राम करने चाहिए ने। अज कमेटी ने यह ऐलान किया है, इतिहासिक हुआ इन्हें ऐलान किया, असी कोई भी काम जरा गुरु साहब प्रकाश चल रहे गुरगद्दी दिवस ने उन्होंने सारे ज्योति ज्योत ने असी नाम मूल नानसिक कैलेंडर आधार से मनावे। उस वक्त धारा 144 लगी थोड़ी जी वो गल, क्योंकि उस वक्त मैं ये गल कहना, उस वक्त एक वाइस चैनल साडा सिंह नाग टीवी चैनल से, जदों कि असी 3 रात को भी अपना चैनल गुरुद्वारा साहब के जिहड़े ताले मारे थले हाल नूं असी वह भी लाइव किया। उस तो बाद असी 4 तरीक नूं डीसी ऑफिस विचों डिसीजन आना सी, ते वह डिसीजन फिर उन्होंने हक च ही हो गया सी, उदों भी असी इत्थों लाइव किया। उस तो बाद 5 तरीक नूं जिहड़ा शॉर्ट प्रोग्राम एक अंदर जिहड़ा रोकने की कोशिश की वड्डी 144 धारा लग गई गुरुद्वारा साहब दे, उत्थे भी प्रोग्राम असी लाइव किया। उस तो बाद उस 5 तरीक शाम नूं बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा गांधी नगर विखे भी लाइव किया। होर भी चैनल सन पर वह चैनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से उन्होंने वो ज़्यादा प्यारी सी, उदो तुहाडे वर्गे लोग जिहड़े सन जिहड़े मर्जी वड़े पंथ जिहड़े नमून अंश मनण वाले वो चाहिए नहीं सन। थोड़ा जिहा वह भी जरा रिपीट करो गल सारी भी वह किहड़े कारण सन की सी क्यों चार धारा 144 लाई गई, वह भी थोड़ा संगतां नूं दसो। उस दे विच इस तरह सी कि उस वक्त एक केस ऑलरेडी कोर्ट दे विच चल रहा सी, ते जदों क्योंकि पुरानी कमेटी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा सी उह उस समय दे विच 9 जनवरी नूं बिगड़े हुए कैलेंडर मुताबक आ रहा सी, लेकिन जिहड़े मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 है जो इस प्रेजेंट कमेटी का भी ते साडे वर्गी जिहड़े मतलब जिहड़े संस्थावां ने गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल है जम्मू या होर बहुत सारिया संस्थावां जिहड़ियां मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 आधारित ही इस सोच रखण वाले जिहड़ियां भी पंथक संस्थावां ने, असी यह सोचा सी कि असी जिहड़ा है वह उस कैलेंडर नूं क्योंकि असी जीवित रखना चाहुंदे हां, आने वाली पीढ़ी नूं समाज नूं एक सेध देना चाहते हैं कि मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 सिख कौम की वक्री होने का एक प्रतीक है, इसलिए इसनों मारिया ना जाए, क्योंकि 2017-18 के भी जी पुरानी कमेटी सी उन्होंने गुरद्वारा साहबान मेरे ख्याल आई मैं याद है कि छठी पातशाही टाली साहब गुरद्वारा साहब विखे उत्थे ऐलान भी किया कि असी मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 के उत्ते पूरा डट के पहरा देंगे, लेकिन उस तो बाद जान सकते हैं भाई क्यों उस तो पिछे हुए। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच उन्होंने ये संगतां दे सामने एक पक्ष रखिया सी, लेकिन उस चीज़ नूं जीवित रखण दे लई कि मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 साडी वक्री होण दा प्रतीक है, एक वक्री पछाण दा प्रतीक है, और जिवें हर एक कौम दा वक्खरा कैलेंडर होंदा इस तरह ये पाल सिंह पुरेवाल ते उन्हां दी सारी टीम ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सुपरविजन अधीन ही इस इतना बहुत वड्डा योगदान किया किसी कौम के लिए, तो इस कौम कैलेंडर जीवित रखना जिहड़ा साडे सारयां दा फर्ज बनता है। तो उस अधीन ही असी जिहड़ा है कोशिश की सी कि भावें कि 9 जनवरी उस साल दे विच डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी उस वक्त सी उन्होंने बनाना है गुरपुरब, लेकिन उस तो पहला 5 जनवरी जिहड़ा मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 मुताबक आ रहा है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब उसनों मनाया जाए, लेकिन उस दे विच जिहड़ियां कंसर्न पंथक संस्थावां सन जो इस नूं मनाना चाहुंदियां सन उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर नूं कि सानू इजाजत दी जाए असी यह गुरपुरब मनाना है, और उस दे विच कोई ऐसी कोई गल नहीं है क्योंकि गुरपुरब गुरु अस्थानां दे विच ही मनाया जा सकता है, तो इस अस्थान पर ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब हर साल मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, तो असी भी क्योंकि वह संस्थावां जिहड़ियां सिख कौम का प्रचार कर रही ने सानू भी इजाजत दी जाए असी ये इस गुरपुरब मनाना है, लेकिन कुछ कारण करके बहुत सारिया ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिता गया कि नहीं जी 9 जनवरी ही मनाना है 5 जनवरी नहीं असी मनान देना, तो इस करके जदों डिप्टी कमिश्नर ने भी उस दे विच बहुत ही कोई इंटरफेरेंस नहीं की है
और धारा 144 लगा दी। पहले पता लगा सी डिप्टी कमिश्नर क्या सी कोई गल नहीं सत्संग कर लियो कर लियो ये करो तो उन्होंने कहते इन्होंने बैनर वगैरह भी छाप दिए सन। डेप्टी कमिश्नर नाल एक वर्बली पर्सनली जी फिजिकली एक मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई है उस एप्लीकेशन भी दी गई उस एप्लीकेशन के उपर तो उन्होंने कोई बहुत उस उपर एक्ट नहीं किया लेकिन जी उन्होंने फिजिकली मीटिंग हुई उस मीटिंग दे विच क्योंकि दास आप एक पटिशनर सी इस करके उस मीटिंग दे विच आप नहीं सी जा सकता ते ना ही गया लेकिन बाकी संस्थावां तो पता लगा सी कि उस मीटिंग दे विच कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जिहड़ा उस वेले दा सी जम्मू दे विच उसने ये इजाजत दी सी कि तुसी मना सकदे हो लेकिन क्योंकि कोरोना उस वक्त भी जोर ते सी ते तुसी गुरुद्वारा साहब दे हाल दे अंदर ही मनाओगे बाहर नहीं मना सकते क्योंकि बाद दे विच भी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मनाया उन्होंने भी ये इंस्ट्रक्शन सी कि तुसी हाल दे अंदर ही मनाना है गुरपुरब कोई भी रैलीजियस प्रोग्राम क्योंकि नगर कीर्तन वास्ते भी इजाजत नहीं सी मिली ते कोई भी प्रोग्राम जिहड़ा रैलीजियस जिहड़ा है वह अंदर ही मनाया जाएगा बाहर इजाजत नहीं दी जा सकती इन व्यू ऑफ कोरोना। तो उस वक्त भी उस मीटिंग दे विच कह दिता गया कि तुसी हाल दे अंदर मना सकते हो लेकिन उस वक्त इसको मना नहीं दिता गया बहुत सारा शोर पिया और फिर अल्टीमेटली 144 धारा लगा दी गई लेकिन उसके बावजूद भी जड़ियाँ पंथक सोच रखने वाली संस्थावां सन उन्होंने बड़ी मुश्किल के नाल हालांकि बारिश का भी मौसम सी लेकिन फिर भी वह गुरपुरब जिहड़ा है इस कैलेंडर नूं जीवित रखने के लिए मूल नानक शाह कैलेंडर 2003 गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा है वह गुरुद्वारा साहब के हाल के अंदर ही चांदनगर विखे मनाया गया जिस दे विच संगतां ने भी बड़ा भरवां हुंगारा दिता सी। उस तो अगला सवाल है भी तुसी दो हीरो सी सरदार जोगिंदर सिंह जी ते सरदार तुसी सतिंदर सिंह जी जिन्होंने ये सारी ग्राउंड तैयार की है। मेरा यह सवाल है भी जदों तुसी ये सारा अज तक उदों तो लैके तुसी एक पटिशनर सो बड़ा वड्डा एक काम किया कि तुहानू किसे जथेबंदी ने कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी जी अज भी है कभी अजे की मान मत वाली गल कोई नहीं अपने घर का काम है लेकिन फिर भी तुहानू किसी ने कोई मान कोई प्रशंसा पत्र दिता भी लिख के दिता भी इन्होंने कोई काम किया तुहानू अज तक भी तुसी बहुत वड्डा काम किया तो तुहानू प्रशंसा पत्र देना चाहिए कोई ऐसा कोई तुहानू मिलिया तक। इस तरह वीर जी के साड़ी जिहड़ी संस्था है प्रचारक संस्था मेरे कहने तो मुराद है कोई खिडारी बाहर जित के आता ना उस इलाके के जिन्हें भी मिनिस्टर होंगे चाहे MLA हो सरपंच होर भी सोशल एक्टिविटी जो होना आन के हौसला शाबाश देते हैं शाबाश तू काम किया है ये शाबाश तुहानू भी कभी मिली नहीं ऐसा नहीं है शाबाश का तो असी कभी अपना रखिया नहीं भाई कोई माण वड़ियाई साड़ी कोई करे असी तो चलो पंथक हितों सोच के एक कार्ज किया ते मान वड्याई देने वाला गुरु है उसने वड्याई यह दी कि जिस मुद्दे नूं लैके असी कोर्ट दे विच गए उस दे विच साडी फतेह हुई है उस दे विच जीत असी प्राप्त की किसी के विरुद्ध तो है नहीं सी एक गौरमेंट के विरुद्ध सी कि भाई तुसीं एक एक्सटेंशन का जिहड़ा सिस्टम बनाया एक्सटेंशन है नहीं एक्ट के विच ते तुसीं गलत किया और उस दे विच वड्याई सानू गुरु ने यह बख्शिश की कि उस असी जिहड़ा केस लड़िया उस दे विच साडी जित प्राप्त हुई सानू किसी के विरुद्ध नहीं सी गौरमेंट के विरुद्ध एक जीत सी ताकि एक सिस्टम नू जिहड़ा मेंटेन किया जाए अगे भी हो सकता है अगे आने वाले समय विच भी हो सकता है ऐसा है कि जिहड़ी प्रेजेंट कमेटी है उस कमेटी दे नाल सानू जोड़ के वेख्या जाता है और इस दे विच भी कोई दोहरा नहीं कि असी सपोर्ट करते हैं क्योंकि असी समझते हैं कि जिहड़े भी वीर आए ने उह सिधांतक पक्खों बिल्कुल स्पष्ट ने ते उहनां दे नाल असी गाए बगाए साथ भी देंदे आ साथ मंगदे भी ने साडा कोल दे किसी मुद्दे पर कोई विचार लैनी हो सानू जरूर बुलाते भी ने लेकिन कोई लगता है कि इस तरह का अगर कोई 5 साल बाद कोई अगर कार्यकाल इन्हों का पूरा होता है कोई ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं तो इस तरह की कोई गल एक्सटेंशन के पिछे नहीं जाएंगे मेरे अपनी विचार है जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि संगत अगर चुनती है किसी कमेटी तो 5 साल वास्ते चुनती है मैं अगर वोट पाई है तुम अगर इलैक्टेड मैंबर हो तो तुम मैं 5 साल वास्ते ही चुने है ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ
चलो ऑफिशियल को लेटर कोई गल नहीं मैं कहना सरदार जोगिंदर सिंह जी चलिया जी कि अजय साडे जिहड़ा धार्मिक रिलीजियस सिस्टम ने उन्होंने तो दूर रहिंदे ने उन्होंने सम्मान देना चाहिए सी। हो सकता है यह हम डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज्यादा बेहतर दस सकती है कि उन्होंने कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि पिछले दिनों आप देखते हैं कि 5 जुलाई 2022 गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी मनाया गया। तो अगर उन्होंने कोई इस तरह के विचार होती तो शायद वीर जोगिंदर सिंह और बुलाते दास ने, तो क्योंकि ऑलरेडी धार्मिक संस्था के नाल जुड़िया होया तो साडा तो कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा, ना ही आप इस मान वड्याई के चक्कर विच। लेकिन वीर जोगिंदर सिंह और मेरी गलबात हुई नहीं है, जे कोई होया होंदा उन्होंने बुलाया होंदा तो उन्होंने जरूर मैं दसना सी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं। हाँ जी, मैं सरदार जोगिंदर सिंह वास्ते लॉज वरते ने भी वो प्रोग्रामा तो अनटच ने, बाकी तो अपना अपनी निजी जिंदगी है कुछ भी। मेरा अगला सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोई ऐसे थिंक टैंक भी तैयार किए ने, मास्टर माइंड भी तैयार किए ने, जो कि कल कोई ऐसी गल आ जाती चलो कमेटी ने मर्जी तो क्योंकि वो चुने हुए मैंबर ने भी पढ़े लिखे ने, कोई सुझाव थिंक टैंक जरा उन्होंने देवे भी दो चार थिंक टैंक बना के रखे होन ताकि सिंगल सिंह कोई लोड़ पै जाती कोई गलबात होती सलाह मशवरा करना है तो वो मनना ना मनना उन्होंने काम है, सलाह देना वो थिंक टैंक का काम है भी आप इस वक्त तक करना चाहिए कि इस तरह की कोई टीम बनाई हुई इन्होंने। देखो भी जी इस तरह के हालांकि असी गाए बगाए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तकरीबन बहुत सारे मैंबरों के नाल असी जुड़े हुए हैं तो वो साड़ी सलाह भी लेंगे, लेकिन जितों तक तुसी थिंक टैंक की गल करते हो तो जो असी अज की राजनीतिक दशा नूं वेखदे हां, जे असी भारत वर्ष की इस सिस्टम नूं वेखिए तो जिहड़ी अज रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी बड़ा वड्डा एक थिंक टैंक रख्या होया और वो किवें राज कर रहे, किवें अपनियां नीतियां नूं अगे अज अपने समाज दे विच अपने इस भारतीय स्टेट दे विच लागू करन दा यतन करदे आ, वो सारा थिंक टैंक तैयार कर रहे, अपनियां नीतियां नहीं इन्हां यह नीतियां सारियां पिछों घट के आउंदियां। तो जदों भी कोई राज करदा है असी पुराने समय दे विच भी देखदे आ तो एक थिंक टैंक जरूर आउंदा, तो उस तरह का थिंक टैंक मैनू लगता नहीं कि हाली कोई डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयार किया हो। लेकिन अपना जो असी साडा एक सीमित दायरा है तो असी काम करने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लैके सिख समाज के रिलेटिड हो, चाहे वह गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध हो, गरीब बच्चों की सिक्ख्या देने की गल हो, किसी की मदद की गल होड़ की गल होर सेवा की गल हो, सारी ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आती है। तो मैनू लगता है कि अगर इस काम को असी होर बेहतर ढंग के नाल करना चाहते हैं तो जरूर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना कोई थिंक टैंक जरूर रखना चाहिए, लेकिन दास के नाले के इस तरह का हाली कोई ऐसा नहीं कि लगता कि शायद कोई थिंक टैंक इन्होंने रख्या हो। दूसरा अज जो सा इंटरनेशनल मुद्दा है साड़ी कौमियत का जथेदार अकाल तख्त साहब वालों भी हुक्मनामा जारी होया, तो जो हुक्मनामा कहा जाता है तो वो भी हर गुरुद्वारे के होर्डिंग बना के पोस्टर बना के जो इश्तहार बना के वो बंदी सिंह ने लाए जाए तो उस बारे भी तुसी थोड़ा वेरवा देना। दूजा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भावें पोस्टर भी लाते ने तो अपनी एक बाइट भी देती कि जिहड़ा एक मसला कौमी सी इस कौमी मसले नूं वड्डे लेवल से पेश करने इतने जिन्हें भी पंथक चैनल ने पंजाबी चैनल ने उन्हें सारे बुला के नहीं करना चाहिए। देखो जी जितों तक तुसी चैनल्स की गल कर रहे हो मैं समझदा कि दास भी इसे समाज के विचर रहा और तुहानू काफ़ी समय तो आप देखते हैं सिंह नाल टीवी है या और बाणी अखंड अखंड और भी बहुत के जी न्यूज़ है उस दे नाल एक बाणी चैनल बाणी चैनल भी सारे चैनल ने। तो मैं समझदा कि अगर इस तरह का कोई कौमी मुद्दा हो सानू उस इंटरनेशनली लैवल से उभारन दे लई होर थोड़ा ज़्यादा इसनों मतलब देना चाहिए इस ढंग ताकि असं सारे चैनल कमेटी के मैंबर भी सारे इकट्ठे हो सारे इकट्ठे हो वेट कर अच्छी अच्छी गल है वो बेहतर है। उस दिन जी मतलब डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों उस दास भी उत्थे शामिल सी जिहड़ा एक मतलब एक बाणी चैनल के जो बाइट थोड़ी आई है बंदी सिंह के बारे दास नूं ते कोई बहुता पता नहीं सी क्योंकि दास नूं वीर सुरजीत सिंह होरां ने बुलाया सी कि असी मूल नानशाह कैलेंडर 2003 थोड़ा प्रिंट करना है ताकि असी वक्त वक्त गुरुद्वारा साहिबान की कमेटियां नूं प्रोवाइड कर सकीए, वो दास की जिम्मेवारी उन्होंने लगाई सी, इस करके उसके भी दास काम भी कर रहे एक दो दिन शायद वो तैयार हो जाएगा। तो मैनू तो पता नहीं सी, मैनू वीर जी कहन लगे भाई तुसी बैठो थोड़ी देर दे लई
एक चैनल नूं असीं प्रोग्राम देना। तो खैर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज़्यादा बेहतर दस सकती है उस बारे, लेकिन मेरा अपना निजी व्यू है कि सारे चैनल्स नूं जिहड़ा है वह बुलाना चाहिए ताकि ये जिहड़ी कौमी मुद्दे की गल है इस नूं दूर तक जिहड़ा है फैलाया जा सके, इंटरनेशनल लैवल तक गल पहुँचे। तो खैर ये मैं भी सुजैसट करांगा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि एक साड़ा एक अपना एक मीडिया जिहड़ा है ना मीडिया सैल जरूर होना चाहिए, जिवें असीं वक्त जिस तरह जिवें सकत्र ने वीर सुरजीत सिंह जी, प्रधानगी वीर रणजीत सिंह जी वेख रहे ने, कैशियर ने वीर जगपाल सिंह जी नानगर वाले, इस तरह जॉइंट सैकटरी ने, या प्रचारक जिहड़ा प्रचार का काम वेखना वीर हरजीत सिंह जी ने। तो इस तरह एक मीडिया सैल जरूर होना चाहिए क्योंकि अपना अपना उस कार्य खेत्र में जो असं काम करते हैं तो फिर वो बेहतर ढंग के हो सकता है। एक मेरी अपनी निजी ना राय है, वह मनना या ना मनना डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ के बीच है, लेकिन जे साडा इस तरह का मीडिया सैल होगा तो उस असी बेहतर ढंग के सारे चैनल्स में बुला सकते हैं तो अपना अपनी आवाज़ जी है दूर तक जी है इंटरनेशनल लैवल से या ग्लोबल लैवल से उसू दे सकते हैं, क्योंकि जिमें थोड़ा चैनल है ये फॉरम के बहुत सारे लोग इस जुड़े हुए वेखते हैं प्रोग्राम। तो यह मेरी निजी राय है कि सारे बुलाना चाहिए। बाकी जिथे तक बंदी सिंह की गल है, जे आप देखिए तो जी सा प्रजेंट नौजवान पीढ़ी है, कुछ बच्चे जड़े ने जे मिशनरी कॉलेज की क्लासिज के आते हैं उन्होंने भी गिनती बहुत घट होगी, लेकिन जी सा नौजवान पीढ़ी तुम एज ग्रुप लै लवो 11-12 साल तो लैके 20-22-23 साल तक या 25 साल तक जेडे साडे कुछ बच्चे जेडे ने 10 मैट्रिक दे विच ने 10 प्लस 2 दे विच ने या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लैवल दे बच्चे ने, उन्हां नूं शायद अज दे इन्हां बंदी सिंघां दे बारे ना पता होवे कि ये बंदी सिंह कौन ने, ये किथे ने, क्यों जेलां विच बंद ने, इस पनीरी नूं भी शायद ना पता होवे, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई असी ईवन के मिशनरी कॉलेज के नाल असी जिहड़े संबंधित हाँ सारे या इस तरह धार्मिक संस्थावां जिहड़े असी बच्चों की क्लासिज लगा रहे हैं ये मुद्दे भी उन्हां क्लासिज के विच विचारे नहीं जाते, जिस करके उन्हां बच्चों भी शायद ना पता होगा जिहड़े क्लासिज के विच जा रहे हैं। तो आम बच्चा जिहड़ा है गुरुद्वारे घट जाता है, अज तुसीं वेखदे हो कि नौजवान पीढ़ी गुरुद्वारे तो मुनकर है बिल्कुल, क्योंकि गुरुद्वारा साहब के विच असी कोई प्रोग्राम इन्होंने तैयार नहीं किया कि एक वक्रा हट के प्रोग्राम नौजवान पीढ़ी को असी दे सकी। तो वो जी पीढ़ी है नौजवान ग्रुप 11-12 साल तो लैके 20-25 साल तक वो इन्ना अज साढ़े इन्ना मसूरमे जड़े अज 30-35-35 साल तो जेलों सलाखों पिछे बंद ने, जिन्हें अपना अपना जिंदगी दिती है, जीवन दिता है, नौजवानी दिती, अज बुढ़ेपे की अवस्था में ने, वो शायद इन्हों नहीं जानते होंगे। इसलिए अकाल तख्त साहब तो मैं समझदा कि एक अच्छा उपराला सी, भावें बहुत देरी दे नाल ये हुक्म जारी होया, बहुत पहला होना चाहिए सी, उसके कुछ कारण हो सकते आप उस दे विच ना जाइए बहुता क्योंकि असी उस पासे पावांगे डेविएट हो जावांगे, लेकिन जो भी आया जो भी हुक्मनामा आया वो अच्छा आया, उस दे विच इत्थे दी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया कि असी हर गुरुद्वारा साहब के जिहड़े प्रबंध अधीन ने इन्हां दे प्रबंध अधीन ने उत्थे ते होर्डिंग्स लगाईआं ही जाणगीआं और लग भी चुकियां ने, लेकिन मैं बेनती करांगा कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये भी उपराला करे ते ओ लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ भी उपराला करन ताकि इन्हां बंदी सिंघां दी जिहड़ी होर्डिंग्स ने जिवें अकाल तख्त साहब ने कहा कि गुरुद्वारा साहिबान की एंट्री ते लगाया जाए ताकि जदों भी कोई एंटर करे गुरुद्वारा साहब नूं या गुरुद्वारा साहब की हदूद तों बाहर आवे तो उसकी नज़र उस होर्डिंग के उपर पवे, चाहे कोई बच्चा जा रहा है, बजुर्ग जा रहा है, नौजवान जा रहा है, ताकि उन्हें पता लगे कि ये नौजवान जिहड़े जिन्हां ने अपनी नौजवानी कौम के लिए भेंट की है बंदी सिंह कौन ने, तो असी इन्हां दे बारे आम संगतां नूं होर बेहतर ढंग दे नाल असी दस सकते। बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल है तो दास दी अपनी निजी राय है कि इहनूं असी लीगली तो आपां होर करना चाहिए, सरकार कोलों भिख मंगण दी लोड़ नहीं सानूं, लेकिन सानूं अपना पक्ष रखण दी जरूर लोड़ है कि जिवें तुसीं वेख्या होणा पिछले कुछ मेरे ख्याल 15-20 दिन या एक महीना पहला जिहड़ा राजीव गांधी दा जिसने कतल किया पर्यावरण वो 31 साल बाद उसनूं रिहा किया गया, लेकिन अज साडे नौजवान जिन्हां ने जिहड़े नौजवानी दे विच या बचपन दे विच ही तकरीबन 15-16 साल की उम्र दे विच ही जेलां दे विच धक्क दित्ते गए और वो अज तकरीबन 50-50 साल उन्हां दी उम्र हो चुकी है, 30 साल तो भी वध समय दे विच जेलां दी सलाखां पिछे बंद ने,
लेकिन साड़ी कोई सुनाई नहीं है। इस करके अपना पक्ष जिहड़ा है वह लीगली रखने दे लई ते इस तरह सिख समाज का एक प्रेशर ग्रुप भी बनाने दे लई कि भाई साडे नाल इह धक्का क्यों, असी वह कौम आ जिसने भारत की आज़ादी के लिए 85% to 90% तो भी वध कुरबानियां दित्तियां होईयां ने सिख समाज ने, चाहे वह फांसी ते चढ़न वाली गल है या I-47 दे अज जिहड़ा तुसीं मुद्दा देख रहे हो 47 दे विच वी जे पाटो ताड़ होई है ते भारत दीयां दो स्टेटां वैसट बंगाल ते पंजाब ने ज़्यादा सब तो ज़्यादा संताप हंडाया है अपने मोंडे ते, ते उस दे विच हिंदू भी सन सिख भी सन मुसलमान भी सन ते लहिंदे पंजाब या चढ़दे पंजाब की असीं गल करदे आं। तो इसलिए अज ये पक्ष रखने की सानू लोड़ है कि जे ये वितकरा साडे नाल क्यों, जे असी इतना कुछ किया इस देश की आज़ादी के लिए ते अज भी साडे नौजवान आपां देखदे आं कि हर हफ्ते 10 दिन बाद तुसी कोई ना कोई सुनदे हो न्यूज़ कि फलाना नौजवान फलानी थां ते बार्डर दे उपर वो जिहड़ा देश की रक्षा करदे होया वो चढ़ाई कर गया ते साडे नाल फिर इस तरह का वितकरा नहीं होना चाहिए। तो जिहड़ी अज की रूलिंग पार्टी है मैं पुरजोर मंग जिहड़ा है तुसी अज दी रूलिंग पार्टी की गल करदे हो, अज तुसी जम्मू कश्मीर जो केवीं ये वादता हो चुकी हैं बच्चे स्टूडेंट जिहड़े ने नीट एग्जाम देने वास्ते अज भी कड़िया के उपर उन्होंने ककारा उपर दस्तारा के उपर पंजाब जलंधर की गल 2-4 दिन पहले की गल है ये गल्लां भी वापरदी ने। जी जी मैं उही गल कर रहा सी कि साडे नाल ही धक्का क्यों, स्टैप मदरली ट्रीटमेंट क्यों, जे सिख कौम ने इतना कुछ इस देश की आज़ादी के लिए किया तो फिर साडे नाल धक्का नहीं होना चाहिए। आप भिख नहीं मंग रहे सरकार कोलों, अपना हक मंग रहे, सानू हक मंगण की लोड़ है। एक पासे राजनाथ सिंह जी जी ते गृह मंत्री अमित शाह जी जां होर इन्हां दे मिनिस्टर इन्हां दे वीडियो बयान आ जांदे ने वी सिख बड़ी कम चंगी कौम है, सिख बहुत महान ने, इन्हां ने बहुत शाता दित्तियां, इदां दी गल्लां साडे उपर मिठी मिठी गल्लां करके सानूं प्रभाव पाउंदे ने। चलो जे इन्हां ने इह गल कहती चंगी गल है, पर फिर भी देखो सिखां दे अधिकारां उपर फिर कोई ना कोई इन्हां दा कटाच हुंदा है, कोई ना कोई इन्हां दी साडे तों मुसीबत रखी हुंदी, कोई ना कोई इन्हां ने सानूं तसीह दित्ते हुंदे ने, इह क्यों इक पासे बयान दिंदे ने इक पासे तसीह वी दित्ती जांदी ने। उस दे विच वीर जी देखो दो पक्ष ने, कई बारी सरकारां दी नीतियां इस तरह ही होंदियां ने, लेकिन दूजे पासे जिहड़ा साडा ग्रुप है, मतलब ग्रुप इन द सेंस के चाहे वह साडियां पोलिटिकल जिहड़े अपने आप नूं आगू कहिंदे है या धार्मिक आगू कहिंदे है, उन्हां दी मनशा दे उपर भी किते ना किते यह प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वह अपने कौम दे मुद्दियां नूं सही ढंग दे नाल जदों उन्हां लीडरां दे नाल मिलदे है उबारन दा यतन करदे कि नहीं करदे, ये भी एक पक्ष साडे सामने आउंदा है। और आपां देखदे हां कि जिहनूं पंथक सरकार कहा जांदा है ते उसने 25 साल राज कीता, अज दी रूलिंग पार्टी है कहा जांदा पंथक सरकार वल्लों ही एक ऐसा सियासी मुद्दा है। तुसीं पहलां गल कीती असीं उस पासे ही जाणा, इह सियासी मुद्दे दे कारण करके ही बंदी सिंह वाला सिस्टम जिहड़ा इन्हां ने चुणिया। हाँ असीं बंदी सिंह नूं छुटाउण च असीं सारे हक च आ, लेकिन सियासी भी एक गल कही जा रही भी सियासी चाल भी हो सकती। देखो सियासी मुद्दा जे आपां जे साडी मनशा ठीक होवे, जे आपां पंथ दा दर्द रखण वाले आ, साडे अंदर कौमी हितां दी गल होवे, ते आपां जदों किसे इस राज दे विच सी और साडे कोल राज सी उदों आपां उस गल नूं विसारे। इन्हां कोल जा बंदी सिंघां नूं छुडाउण वास्ते गए ते इन्हां नूं बाहर कढ दित्ता गया। बिल्कुल, और इह चीज़ है कि अज भी तुसीं देखो कि जिहड़ी साडे पंजाब दे विच आपां देखदे आ कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो असी कहते हैं जी उत्थे भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर है, लेकिन दूजे पासे जे असी गल करिए तो प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिन्हां दी आज़ादी अज दे दिन भी हो सकती है, लेकिन वह फाइल नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल जिहड़ा है साइन नहीं किते जा रहे, जिहड़ी उहनां दी कमेटी होंदी उस दे विच भगवंत सिंह मान नूं इनिशिएटिव लैणा चाहिए। हुण इह चीज़ जिहड़ा अगर फर्ज करो 4-5 साल बाद आम आदमी पार्टी इस रूलिंग तों बाहर हो जाती है तो फिर उस वक्त तुसीं शोर पाओगे भाई बंदी सिंघां नूं रिहा करना चाहिए, तो गल कोई बनती नहीं है। यही गल जिहड़ी साडी पंथक सरकार सी उन्हां दे पल्ले भी पैंदी है कि जदों तुसीं राज दे विच सी रूलिंग पार्टी दे नाल तुसीं उन्हां बंदी सिंघां दी गल नहीं कीती और अज इह मुद्दा उभार रहे हो, हालांकि इह कौमी मुद्दा है, इस दे विच हर सिख दर्द रखदा है और चाहुंदा है कि वह बंदी सिंह बाहर आउण ते अपने परिवारां दे विच समाज दे विच उसे तरह रहण जिवें आपां रह रहे हां, लेकिन इहनूं पोलिटिकली मुद्दा अपने हितां दी करके नहीं बनाउणा चाहिए। एक गल लास्ट एक मिनट तुसीं जवाब देना कि जिहड़ा बंदी सिंघां दी तुसीं रिहाई दी गल करदे जिते आपां होर्डिंग लगे ने जिते साड़ी वार्तालाप हो रही गलबात हो रही लैक्चर हो रहे हैं कि जेडे पसल फंक्शन ने सिखा दे अज चाहे वह गुरुद्वारे दिने करते हैं चाहे शाम सवेर का इन्होंने एक अरदास शब्द भी वरतना चाहिए उस वक्त उन्होंने बारे
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜੀ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਲੋੜ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੇ ਉਸੇ ਡੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕਮੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।